नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको उधम सिंह नगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। मैं आए हुए हमारे सभी कृषक भाइयों एवं बहनों और विश्वविद्यालय के सभी हमारे शोधार्थी विद्यार्थी और भविष्य में होने वाले हमारे उदयमान वैज्ञानिक, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भी बहुत सारे महानुभाव मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारे शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, जिनको अनेक अनेक अवसरों पर कृषि के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से भी नवाजा है। भाइयों बहनों, हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है पूरे देश दुनिया के अंदर। यहाँ के शोध करे हुए छात्र, यहाँ से अध्ययन किए हुए छात्र पूरे देश दुनिया के अंदर मिलते हैं, और इनका एलुमनाई का संगठन भी बहुत बड़ा संगठन है मैं जानता हूँ, क्योंकि इसी जनपद में मैं भी पला बड़ा हूँ। इस नाते जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, हर जगह पर मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए हुए लोग या इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। और ऐसे कार्यक्रम में और इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार के जो किसान मेले हैं, निश्चित रूप से जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि किसान भाइयों की उन्नति में ऐसे मेलों का बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसमें, क्योंकि इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हम सब लोग एक स्थान पर यहाँ इतने सारे लोगों से मिल पाते हैं, उसमें हमारे वैज्ञानिक भी होते हैं, किसान भी होते हैं, उद्यमी भी होते हैं, और जो कृषि से संबंधित नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है और बहुत प्रकार की जानकारियाँ, क्योंकि देश दुनिया के अंदर आज नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन सबसे हम सबको नज़दीक से उनको जानने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है, देखने का अवसर मिलता है, और एक विजन हमारा भी बड़ा होता है, क्योंकि देखने से, मिलने से, नई नई तकनीकों को जानने से वास्तव में हम अपने विजन का विस्तार करते हैं, एक एक्सपोजर मिलता है। इसके साथ ही किसान भाइयों को मेलों के माध्यम से उन्नत प्रकार के जो बीज हैं, पौध है, कृषि यंत्र है, जैविक खाद है, और कृषि से जुड़ी सभी प्रकार की जो आवश्यक चीजें होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वो सभी एक स्थान पर ही मिल पाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शनी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारियों से हमारे किसान भाई उपलब्ध होंगे। मेरा भी आज पूरा पंखा, कुलपति महोदय कह भी रहे थे कि पूरा पंडाल घूमते हैं, पूरी प्रदर्शनी देखते हैं, और अच्छा होता कि मैं भी सभी प्रदर्शनी में जाता। हमारे कमिश्नर साहब भी जाते, जिलाधिकारी जी भी जाते, हमारे सीडीओ साहब मनीष बड़े ये भी नवाचार करने पर विश्वास करते हैं। मैं इनका नाम विशेष रूप से उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि नए IAS अधिकारी हैं और बहुत नज़दीक से चीज़ों को जानते हैं और उसका समाधान भी करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे कृषक भाइयों के लिए और कृषि को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन थोड़ा सा पूर्व में, और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। और बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है, तो वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। देखिए, समस्त प्रदेशवासियों को मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धैर्य, संयम एवं विवेक की प्रदाता मां ब्रह्मचारिणी आप सभी भक्तों का मंगल करें।
ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। और चलिए अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का आपको बता दें कि ओम प्रकाश माथुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई दोनों के बीच, और सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर, जिनसे मुलाकात की है दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। शिष्टाचार भेंट मुलाकात हुई है दोनों के बीच में। सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर, जिनसे सीएम धामी मिले और कई विषयों पर, कई मुद्दों पर इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। लंबी मुलाकात दिल्ली में। और चलिए अब देहरादून से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि राज्यों को केंद्र से 480 मेगावाट बिजली मिली है। एक हफ्ते में ही अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ाया गया है यह अतिरिक्त कोटा, और सीएम धामी ने पीएम मोदी का इसी को लेकर आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही बता दें कि शीतकाल के लिए उत्तराखंड को 480 मेगावाट बिजली मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, और इसी को लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एक हफ्ते में अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ाया गया है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। और नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, ये बड़ी खबर आपने, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शीतकाल के चलते 480 मेगावाट बिजली प्रदान की गई है, इसी को लेकर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। क्या अपडेट है इस पर, क्या और ज्यादा जानकारी? हाँ, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है और विद्युत आपूर्ति बाधित ना होने पाए इसके इसको लेकर चाहे सरकारी तंत्र हो या फिर राज्य सरकार हो, वह अपने अपने शहरों में लगी हुई है और विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। चाहे चारधाम यात्रा की बात की जाए या फिर प्रदेश की बात की जाए, तो इसको लेकर आप 480 मेगावाट बिजली की जो आपूर्ति है केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिली है और उसके अवधि को 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सवाल केंद्र की तरफ से दी गई है, और यह दूसरी बार है जब उत्तराखंड को 480 मेगावाट बिजली मिल रही है केंद्र सरकार से। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पिछले दिनों अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे मुलाकात की थी और उत्तराखंड के लिए उन्होंने विद्युत की एक्स्ट्रा मांग की थी जिसको मंजूरी मिली है। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि अब जो 480 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को मिलेगी, इससे जो विद्युत की आपूर्ति है वह पूरी तरीके से पूर्ण हो पाएगी और कहीं ना कहीं राज्य में जो बिजली कटौती की समस्या आ रही थी उससे भी निजात मिलने वाली है। साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है वहां पर बिल्कुल, और निश्चित तौर पर बड़ी सौगात मिली है केंद्र सरकार से उत्तराखंड वासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बता दें कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा देखिए। हमारी सरकार मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ देहरादून से। यह बड़ी खबर, बारिश के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में डेंगू के मरीज मिले हैं। डेंगू के केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड भी रिजर्व किए गए हैं। देहरादून में संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग प्रक्रिया जो है वो अब शुरू कर दी गई है ताकि डेंगू के केस और ना बढ़े। नगर निगम की ओर से संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग शुरू की गई है। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए
लोगों को इस फॉगिंग के जरिए, फॉगिंग प्रक्रिया के जरिए जागरूक किया जा रहा है। और जो डेंगू का खतरा है वो अब बढ़ रहा है। बारिश के बाद से डेंगू के केस आने से अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और डेंगू के केस ना बढ़े इसको लेकर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अनेकों तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। फॉगिंग की प्रक्रिया कई इलाकों में शुरू की गई है। ऐसे संवेदनशील इलाके जहां से ज्यादा मामले डेंगू के सामने आ रहे हैं वहां पर फॉगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन की तरफ से कई इंतजाम और व्यवस्थाएं की गई है ताकि ये डेंगू के केस और ना बढ़े, इजाफा और डेंगू के केसेस में देखने को ना मिले। बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, लोगों को तरह तरह के संदेश दिए जा रहे हैं डेंगू को लेकर ही। और देखिए प्रशासन ने इस तरह की तैयारियां भी की है। अस्पतालों में बेड, स्पेशल बेड रिजर्व किए गए हैं केवल और केवल डेंगू के केसेस के लिए। डेंगू से ग्रसित लोगों के लिए अलग से बेड्स की व्यवस्था अस्पतालों में की गई है ताकि लोगों को वहां पर एडमिट करवाया जाए, अस्पताल में भर्ती करवाया जाए जो डेंगू से ग्रसित है, और उनका इलाज सही समय रहते किया जा सके अस्पतालों में। और बारिश के बाद से अब लगातार डेंगू के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। चिंताजनक स्थिति है और ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और देखिए अब हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब परिवार रजिस्टर योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का डेटा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों को सरकार योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग किक स्टार्ट मीटिंग करेंगे, वो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी। उसमें जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट्स रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ किक स्टार्ट मीटिंग होगी, उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे होंगे, तो कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं, जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और अगली खबर देहरादून से, जहां नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की है और क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। नियोजन विभाग में मैं कुछ रीसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा जीएसडीपी का है। जो जीएसडीपी का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को दोगुना करेंगे, और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है, तो इस 20 महीने में हमारी जो जीएसडीपी है ये 1.3 गुना बढ़ गया है। और वही बारिश कम होते ही एक बार फिर केदारनाथ यात्रा रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए बद्री केदार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कहा कि बारिश कम होने के साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी एजेंसियां और उसके अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम कर रहे हैं। मानसून का असर थोड़ा कम हुआ तो जो हमारे चार धाम यात्रा है उसने तेजी पकड़ दी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच रहे हैं।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से और प्रदेश सरकार के स्तर से यात्री सुविधाओं को लेकर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी थी वो सुनिश्चित कर ली गई है और हमारे जो अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के जो विभिन्न यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई एजेंसियां उनके जो उच्च अधिकारी हैं लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। वहाँ जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है वो की जा रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और बीच बीच में जब कई बार वर्षा हो जा रही है उसके कारण से मार्ग बाधित हो रहे हैं तो तत्काल बाधित मार्गों को खोल दिया जा रहा है और अन्य भी प्रयास है कि जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं सरकारी स्कूलों में महिला प्रेरक समूह यानी कि वुमन मोटिवेटर ग्रुप का गठन किया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक झरना कमठान ने कहा कि सामुदायिक सहभागिता को देखते हुए सभी विद्यालयों के स्तर पर ये समूह बनाया गया है जिसमें 12 महिलाएं शामिल होंगी। ये सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत जो है महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया है और इसमें हमने सभी विद्यालयों के स्तर पर एक समूह बनाया है जिसमें 12 महिलाएं होंगी, जिसमें से कुछ महिला मंगल दल से होंगी, कुछ महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह की होंगी, इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उससे भी 3 महिलाएं होंगी, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स SC ST कैटेगरी से होंगी। तो इस तरह से मिला के जो ग्रुप बनेगा 12 महिलाओं का, जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग से ANM भी होगी। ये सब मिलकर के मुख्य रूप से उस विद्यालय के को विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। वो समय समय पर जाके विद्यालय का भ्रमण करेंगे, वहाँ के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं उन पर अब ध्यान देंगे। और वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की बार बार चेतावनी के बाद भी अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का कोई असर नहीं पड़ा। तो वहीं PWD विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ मुरादाबाद रोड पर टाडा तिराहे से सरवर खेड़ा तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया है। कई जगह विभाग को लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा, तो इस दौरान कई लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन प्रशासन के सामने इनकी एक न चली और प्रशासन की JCB अतिक्रमण पर भारी पड़ गई। विभाग द्वारा जो मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है, इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें, तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे PWD विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर अग्रवाल महासभा के लोगों ने अग्रसेन भगवान की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर शॉल चढ़ाया। इस मौके पर निशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच शिविर का भी शुभारंभ किया गया जिसमें मरीज का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाई वितरित की गई। सब विंग को, महिला विंग हो, यूथ वाले हो, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष की जो है जयंती को बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर मना रहे हैं और साथ में जो मेडिकल कैंप एक दशक से जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं जो गरीब लोगों को बहुत बड़ा फायदा दे सकती है, और जगह नहीं मिल पाता यहाँ मिल रहा है तो मैं उसके भी बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत सारे कार्य अखबार महासभा के बहुत बड़े कार्य हैं, 2013 की आपदा हो उससे लेकर के आज तक जो है जगह जगह इनके मेडिकल कैंप हों, सहायता कैंप हों, गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, ये लोग जो है इस तरह का कार्य करते हैं। मैं बहुत विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज देखिए ये बहुत ही शुभ दिन है कि अग्रसेन महाराज के यहाँ पर जयंती है और सभी मसूरी के जितने भी अग्र परिवार हैं सब यहाँ पर आके उनको उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं और मैं अग्रसेन महाराज के जितने भी ये वंशज हैं उनको नमन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका बढ़ चढ़ कर हर सामाजिक कार्य में उनका योगदान होता है, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी से हो, दवाइयों से हो, या किसी अन्य चीज़ से भी हो, किसी भी तरीके का उनका जो शहर के अंदर अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो मैं अग्र समाज को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो शारदीय नवरात्रे के प्रथम नवरात्रे पे महाराजा अग्रसेन जयंती का आयोजन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष हमारा 14वां आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है जिसका लाभ समस्त मसूरीवासी ले रहे हैं और अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के आयोजन के लिए आज यहाँ मसूरी से सारा
मसूरी यहाँ पर एकत्रित हुआ है और अग्रसेन जयंती की तैयारी हमारी शुरू हो गई है और ये चलेगी और अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम बेहतरीन और बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। और वही हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की ओर से कई मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान 7 मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें बंद कर दिया गया। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी स्टोर को बख्शा नहीं जाएगा। रुड़की के देहरादून मार्ग पर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने सोलानी नदी के पास निर्माणाधीन आरोग्यम हॉस्पिटल का विरोध किया है। किसान नेताओं का आरोप है कि हॉस्पिटल का निर्माण पूरी तरह से अवैध है, जिसका बीकेयू तोमर पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये आजादी को क्या बन दिया, आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। एक हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है आरोग्यम, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है और जो उनका बोलना है हॉस्पिटल वालों का कि ये HRDA द्वारा कराया गया है। अगर वो वहाँ पर नहीं रोका गया तो हम वहाँ पर यहाँ पर HRDA में और एक वहाँ पर हॉस्पिटल में एक विशाल धरना देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप अभी देखेंगे दिल्ली में कितना बड़ा मामला हुआ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भूकंप भी आने की संभावना है और नदी में अगर निर्माण चल रहा है तो आने वाले में समय में उसका फलस्वरूप क्या रहेगा, ये आप लोग भली बात जानते हैं। तो आपने ज्ञापन दिया है, 7 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ इनसे दोबारा मिलने आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो उसी समय यहाँ पर एक विशाल धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे तब तक वो कार्य नहीं रोका जाता है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।